बड़ा प्रेशर बिल्डअप किया गया है और एक बड़ा षड्यंत्र हम लोग इसको मानते हैं कि बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे हुआ है, तब जाकर किस तरह का उसने स्टेप उठाया है। तो इसके लिए जांच का आदेश दे दिया है महाराष्ट्र सरकार, हम उनका अभिनंदन करते हैं। हम कंगना रावत का भी स्वागत करते हैं, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि किस तरह से यहाँ नए स्टार उभरते हुए स्टार को घेरा जाता है। तो इन तमाम चीजों का कुछ न कुछ हम चाहते हैं कि जांच हो और जांच होगा, मुझे यकीन है कि जांच होगी। इतना सारा फिल्म मिला हुआ था, अभी कौन सा इसका एज हुआ था, 10-12 साल तो हॉलीवुड में हुआ, 33 साल का लड़का था, इतना ऊपर चला गया, इससे खतरा होने लगा था लोगों को, सब लोग घबराए हुए थे, बड़े स्टार घबराए हुए थे कि इतना फास्ट कैसे भागा, तो कौन सा करियर इनका इतना बड़ा कि इतना पूरा लंबा समय इसका 40-50 साल अभी पड़ा हुआ था लाइफ पूरे फिल्म इंडस्ट्रीज में, तो इसको तो घेरने का एक अभिमन्यु वध जैसे हुआ ना महाभारत, वैसे इसको वध करने का काम किया। कोई फाइनेंशियल नहीं था, ऐसा नहीं है कि यहाँ का हम लोग पारिवारिक फाइनेंशियल हम लोग स्ट्रांग है, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम। उन्होंने मुझे सिर्फ ये बताया कि सनी मैं घर देख रही हूँ बांद्रा में और मैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहूँगी और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं।